हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको कैसियो कीबोर्ड SA76, SA77 और SA78 में मिलने वाले मेलोडी ऑन ऑफ फंक्शन के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके पास SA सीरीज का कोई भी कीबोर्ड होगा तो आपने इसके कंसोल पे स्टार्ट स्टॉप के बगल वाली बटन, ये मेलोडी ऑन ऑफ की बटन जरूर देखा होगा ना। शायद आपने कभी यूज भी किया हो और शायद ना भी किया हो। अगर आपने इसको यूज किया है, इसके बारे में सारी चीजें आपको पता है यार, तब तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर नहीं पता है तो ये पूरा वीडियो देखने बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वाली बटन इस कीबोर्ड में किस लिए होती, इसका काम क्या होता, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कब और क्यों यूज कर सकते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए जल्दी से अपने कीबोर्ड को ऑन कर लेते हैं। कीबोर्ड ऑन होते ही बाय डिफॉल्ट हमारे स्क्रीन पे ऐसा कुछ दिखने लगता है। यहाँ पे 00 आपको दिख रहा होगा, ये इस कीबोर्ड का सबसे पहला टोन होता है ग्रैंड पियानो का, और इसी के नीचे देखिए छोटा सा लिखा हुआ है मेलोडी। जब भी आप इन कीज का इस्तेमाल करके कोई भी सॉन्ग बजाएंगे, कोई भी पीस ऑफ टोन बजाएंगे, तो वो तो बजेगा ही, उसमें इस बटन का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे टोन, पैटर्न और सॉन्ग बैंक तीन बटन दी हुई हैं, और इसमें से जो सॉन्ग बैंक वाली बटन होता है इसको दबा के हम लोग इस कीबोर्ड में मिलने वाले सॉन्ग्स को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे देखिए इस साइड में कीबोर्ड के ऊपर 10 सॉन्ग बैंक लिखा गया है, और इस कीबोर्ड में हमको 10 इनबिल्ट सॉन्ग्स मिलते हैं जो की डेमो सॉन्ग होते हैं, पहले से बने बनाए इस कीबोर्ड में रखे रहते हैं। और इन 10 सॉन्ग्स को हम लोग यही सॉन्ग बैंक बटन दबाने के बाद स्टार्ट स्टॉप बटन दबा के बजाना शुरू कर सकते हैं। और ये मेलोडी ऑन ऑफ की बटन जब सॉन्ग बैंक के गानों को बजाया जाता है तभी यूज में आता है। इसका इस्तेमाल बेसिकली लर्निंग पर्पस से ही किया जाता है, सीखने के लिए ही किया जाता है। लेकिन कैसे, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे सॉन्ग बैंक का कोई भी एक गाना बजा के आपको सुनाना पड़ेगा। तो सॉन्ग बैंक का कोई भी गाना बजाने के लिए एक बार सॉन्ग बैंक बटन को दबा दें। दबाते ही देखिए यहाँ पर AL लिख के आ गया। अब अगर मैं स्टार्ट स्टॉप वाली बटन दबाऊं तो सॉन्ग बैंक का पहला गाना बजने लगेगा। जैसे देखिए मैं दबाता हूँ, अभी जो गाना चल रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी इसका अगला वाला गाना बजाने के लिए हमको A+ बटन दबाना पड़ेगा। प्लस बटन एक बार दबा दे, देखिए स्क्रीन पे 00 लिख के आ गया। इसके बाद फिर से दबा दे, देखिए 1 आ गया और गाना चेंज भी हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली प्लस बटन दबाने से आगे के सॉन्ग्स एक्सेस होते जा रहे हैं, और इन सभी सॉन्ग्स का सॉन्ग नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे अभी 4 नंबर बज रहा था और उसी के नीचे देखिए मेलोडी लिख के आ रहा था, यानी ये जितने भी सॉन्ग्स बज रहे थे इसमें मेलोडी इंक्लूडेड थी। अब अगर आप इन गानों को सिर्फ सुनना ही नहीं बजाना भी चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि इसमें जो मेलोडी बज रहा है वो ऑफ हो जाए, यानी मेलोडी ना बजे, सिर्फ बीट्स या म्यूजिक बजे और मेलोडी में अपने से इन कीज का इस्तेमाल करके बजाऊं। तो जब आप ऐसा करना चाहेंगे तब आपको ये बटन बहुत काम आएगी, क्योंकि इस बटन को दबाते ही जो भी पर्टिकुलर सॉन्ग चल रहा होगा उसका मेलोडी पार्ट अपने आप से ऑफ हो जाएगा। इस बात का डेमो मैं आपको सबसे फेमस सॉन्ग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में दिखाता हूँ। जैसे 3 नंबर का ट्विंकल ट्विंकल है, अब इसको मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए मेलोडी इसका ऑन है, यानी अभी जो भी आप सुनेंगे ना इसमें आपको एकदम साफ साफ समझ में आएगा कि ट्विंकल ट्विंकल बज रहा है। सुनिए आप ध्यान से, यही जो भी स्टार्ट हुआ यही मेलोडी पार्ट है। देखिए अभी मेलोडी बज रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मेलोडी ऑफ हो जाए, ना बजे, आप कीबोर्ड से बजाएं, तो ए वाली बटन दबाते ही मेलोडी अपने आप से ऑफ हो जाएगी। देखिएगा कैसे। देखिए जैसे ही मैं मेलोडी ऑन ऑफ की बटन को दबा दे रहा हूँ तो यहाँ से मेलोडी हट जा रहा है और गाने में से मेलोडी पार्ट पूरी तरह से बंद हो जा रहा है, सिर्फ म्यूजिक चल रहा है। और इस समय अगर आप इन कीज का इस्तेमाल करके बजाएंगे तो जो टोन उसमें बज रहा था वही टोन बाय डिफॉल्ट अपने आप से लग जाएगा। जैसे मैं अगर आपको सुनाऊं,
ये देखिए टोन बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, ये अपने आप से कीबोर्ड ने सेट कर लिया सॉन्ग के हिसाब से। तो मेलोडी ऑन ऑफ बटन का यही काम होता है। जब भी सॉन्ग बैंक का कोई भी गाना चल रहा हो, उस गाने में से अगर आप मेलोडी हटाना चाहते हैं, सिर्फ म्यूजिक बजाना चाहते हैं और अपने आप से इनकीज का इस्तेमाल करके उस गाने को पूरा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब आप इस बटन का इस्तेमाल करें। आप बहुत अच्छे से बजाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस बटन के बारे में सारी चीजें पता चल गई होंगी। इसके अलावा आप इनकीज से रिलेटेड, इस कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा।